TV shows, blockbuster movies and originals. Download the app now. कितना भागेंगे आप खुद से? आपकी इस नाना में ना मुझे हाँ हाँ ही दिखाई देती। साहिल के लिए आपका प्यार सच्चा है। यश तुम गलती कर रहे हो, वेदिका जी और मेरे लाइफ से दूर हो जाओ। मैंने वेदिका से शादी की मगर अब मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। वेदिका जी तुमसे प्यार नहीं करती। तो ठीक है, वेदिका से कहलवा दो कि वो तुमसे प्यार करती है। बस एक बार मुझसे सच बोल दीजिए थी, बोल दीजिए कि आप साहिल से प्यार करती है। अगर उसने ये कह दिया, वादा करता हूँ मैं ये शादी खुद तोड़ दूंगा। कर ले पीछा। मेरी वेदिका जी कभी किसी गलत इंसान के साथ नहीं जाएंगे। मैं और वेदिका जी एक दूसरे के लिए बने हैं, तो वो किसी और की कभी नहीं हो सकती। वेदिका जी यश के साथ कहाँ गई है बताइए, वरना मैं अपना गला खोल दूंगा। बताइए। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे। आपके आ जाने से मैं इस पूरे हफ्ते यश यश साहिल वेदिका की प्रेम कहानी में आएंगे नए मोड़। साहिल ये क्या कर रहे हो तुम? साहिल हर दिन होगा नया ड्रामा। रुको, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अच्छा सुन, सच बोलना, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है ना? मतलब कि मेरी लव स्टोरी के पूरे होने के फुल चांसेस है। दिल पे हाथ रख के बोल, दिल पे ऐसे बोल। क्या हो तुम साहिल? बार बार मैं हैरान हो जाती हूँ कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। You know what, dude? ये कर्मा वर्मा का मुझे नहीं पता, पर ऐसे प्यार को तो भगवान भी इग्नोर नहीं कर सकता। आई एम वेरी श्योर कि वो किसी ना किसी तरह तुम्हारी और दी की लव स्टोरी को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। और ये बात मैं दिल पे हाथ रख के कह सकती हूँ। श्योर? बिल्कुल। मेरी शादी, मेरा हनीमून, मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता, ये सब मजाक है तुम्हारे लिए। तुम्हें लगता है मेरा पति बुरा आदमी, ना मर्द है। तुम चाहते हो कि वो मर जाए, है ना? तो क्या गलत कह दिया हमारे बेटे ने? अरे नई नई शादी हुई है और दो दिन भी तुम लोग साथ में नहीं रहे तो कोई कहां सोचेगा? बढ़िया माँ प्लीज अब। हाँ, इसमें मत। हम एक रात में दिल्ली से वापस आ गए क्योंकि प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम मेरे पति में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है। क्योंकि मैं यश के बच्चे की मां बनने वाली हूं। वाह वेदिका जी, क्या एक्टिंग करती हैं आप। अरे आपको तो फिल्म में आना चाहिए। पता है कानपुर में इसे लल्लन टॉप कहते हैं। जानती हैं, बाकी पैतरे फेल हो गए तो आपने ये प्रेगनेंसी का बहाना बना लिया मुझे दूर करने के लिए। लेकिन एक बात बताइए वेदिका जी, आपको ये चिरकुटी मिला बाप बनने के लिए? झूठ बोल रही है वेदिका जी, और ये पहली बार नहीं है कि मुझे अपने से दूर करने के लिए झूठ बोल रही है। वो पहले भी झूठ बोल चुकी है। तुम जानती हो तब तक वो यश कुमार उनके साथ जबरदस्ती कर रहा था और आज उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। साहिल रिलैक्स, हम पता करेंगे ना कि असली मामला क्या है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नाटक क्यों कर रही हो प्रेगनेंसी का। यार साहिल बेटा देखो, एक शादीशुदा औरत अगर बच्चा पैदा करना चाहती है तो इसमें गलत बात का है, हैरानी की बात का है? हा? देखो बेटा, इस जुनून से निकलो। वो औरत अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, भूल जाओ उसको। ऐसे हमसे कब तक नाराज रहोगे? हाँ कब तक नाराज? बढ़िया मां, जब तक आप ये बात एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि आप एक झूठी और धोखेबाज औरत हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ बढ़िया मां, इसकी जिम्मेदार आप हैं। वेदिका जी को न जाने क्या क्या कहा आपने। 42 साल की अधेड़ उम्र की औरत, मनहूस, कलंकिनी, बाजारू। जी क्या हुआ है ने? सब ठीक तो है? अभी तक होश नहीं आया है। आप फिक्र मत कीजिए, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट
कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। मैं बच्चे का बाप हूं डॉक्टर। इस खुशखबरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जी नहीं, आप इनका ख्याल रखना। ओके। थैंक यू। अरे वाह वेदिका। श्रुति, क्या हुआ मेरे कॉफी का? हाँ बाबा ला रही हूँ, रुको करण। श्रुति क्या हुआ? श्रुति जी, डॉक्टर का कहना कि आप बोल नहीं सकती, आप इशारे से हमें बता सकती हैं कि जो ये हादसा आपके साथ हुआ है उसमें किसी का हाथ था? श्रुति देख, मैं हूँ तेरे साथ, मुझे बस बता कौन था वो। करण ऐसा नहीं कर सकता है। श्रुति ने करण की तरफ इशारा किया, मतलब करण मुजरिम है। साहिल, श्रुति कुछ कहना चाहिए। वेदिका जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। श्रुति से दूर रहिए आप। कैसे जाइए आप? नरेन, पूजा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब यंगराज किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इंजेक्शन का असर सिर्फ 5-7 मिनट रहेगा, उससे पहले हमें निकलना होगा। इतनी भी क्या जल्दी है नरेन बाबू, अब तो आग बरसेगी चमके। नरेन, पूजा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब यंगराज किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इंजेक्शन का असर सिर्फ 5-7 मिनट रहेगा, उससे पहले हमें निकलना होगा। इतनी भी क्या जल्दी है नरेन बाबू, अब तो आग बरसेगी चमके। मैं तेरे साथ वो नहीं होने दूंगी जब प्रज्ञा के साथ हूं, इसीलिए मैंने सोच लिया और मैं उन्हें बोलकर आई हूं कि तू लूट रहा हूं दोबारा नहीं जाएगी। आज का दिन तेरे लिए आखिरी दिन था, उस घर में दोबारा तू नहीं जाएगी। मानना पड़ेगा यार, तुम्हारा प्रोफाइल तो भाई के करियर से भी बहुत ऊंचा जा रहा है। पता है, जब भाई ने तुम्हें इस घर से निकाला था ना, मुझे बहुत बुरा लगा था। वापस आ जा, मान जा, मान जा मेरी बच्ची, मान जा। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन, एक मिनट, मान जा मेरी बच्ची, मान जा। तेरे गलत कर्मों की सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ रही है। शायद मेरे जाने से ये लड़ाई को खत्म करने का कारण बहुत बड़ी गलती की आपने। जारा, जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, हमारी जिंदगी गुलजार हो गई। यहां मौजूद हर इंसान से हम कुछ पूछना चाहते हैं, जब से जारा आपकी जिंदगी में आई है, क्या आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया? भाई कोई हमसे भी तो पूछो, ज़ारा ने हमारी जिंदगी कैसे बदल दी।